बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज की रेसिपी है आलू गोश्त। ये बीफ के साथ रेसिपी कर रहे हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले 500 ग्राम्स बीफ लिया है, बोनलेस है, इसके ऊपर से फैट जो उसको रिमूव कर दिया है। 250 ग्राम्स आलू लिए हैं जिनको बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। पानी की ज़रूरत है, 1/4 कप ऑयल चाहिए। इसके अलावा इसमें 2 टेबल स्पून योगर्ट जाएगा। एक बड़ा अनियन लेके उसको ऐसे स्लाइस कर लिया है, रिंग्स की शक्ल में काट लिया है। एक बड़ा टमाटर चाहिए, उसके ऐसे 2 पीसेस कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का जाएगा। 2 सब्ज़ मिर्चें चाहिए, 1/2 टी स्पून ऑल स्पाइसिस पाउडर का लिया है, 1 टी स्पून ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1.5 टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है और 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हाई मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकर रखा है, इसके अंदर 2 कप के बराबर पानी शामिल किया है। इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप इसको वैसे भी गला सकते हैं और चाहें तो प्रेशर कुकर में गला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर और इसके अंदर बीफ शामिल करेंगे। अब बीफ भी इसमें ऐड कर दिया है और लास्ट में इसके ऊपर ये टोमेटोज़ जो हैं वो रखेंगे। अब इसको मैं बंद कर दूंगी और इसको 5-7 मिनट प्रेशर दूंगी कि ये जो गोश्त है ये फुल गल जाए। प्रेशर कुकर को खोल लिया, मीट टेंडर हो चुका है। इसमें जो टमाटो साबत ऐसे पीस डाल दिए थे 2 हिस्सा करके, उसकी स्किन को रिमूव कर दिए। इसमें ये जो हल्का सा पानी है इसको ड्राई करेंगे और उसके बाद इसको फिर भून लेंगे। पानी तकरीबन कुछ हो चुका है। अब इसमें ये ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, ये साबुत सब्ज़ मिर्चें, दही, और साथ ही ऑयल भी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, अच्छा सा गोश्त भून चुका है। इसके अंदर जो प्याज और टमाटर थे ये देखें कितना अच्छा उसका पेस्ट बन चुका है। अब इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू मैंने काट के थोड़े से पानी में डिप करके रखे थे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। आप या तो इस्तेमाल से पहले इनको छीलें या अगर आपको ज़रा टाइम है तो फिर इनको थोड़ा सा पानी के अंदर कर दें डिप ताकि इनका कलर चेंज ना हो। आलू भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आपको इसके अंदर जिस तरह का शोरबा चाहिए, जितनी मिकदार में चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे 8-10 मिनट के लिए ताकि आलू गल जाएं। ये तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं, आलू गल गए। अब इसके अंदर ये ऑल स्पाइसेस पाउडर डाल देंगे। आलू गोश्त रेडी हो गया, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आलू गोश्त को अपने सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है।